जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आओ भक्तो दर्शन कर लो मैया के, आओ भक्तो दर्शन कर लो मैया के। आज 5 तारीख हो गई है और सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा बढ़िया धूप खिल चुकी है। सभी भक्तों को जय माता दी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 तारीख से कितनी ज़्यादा बर्फबारी माता वैष्णो देवी के भवन पर हो रही थी। और आपको ये भी बता दें कि लोगों के सवाल हमारे पास लगातार आ रहे थे कि ये बर्फबारी कब तक रहने वाली है, क्या हमें ये बर्फबारी आगे कई दिनों तक मिलने वाली है या नहीं। आज इन्हीं सब सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको जवाब देंगे प्राचीन गुफा से संबंधित, और उसके अलावा अर्ध कुंवारी पर कितना वेटिंग टाइम चल रहा है और आगे आने वाले दिनों के अंदर कितना ज़्यादा रस या कितनी ज़्यादा कम भीड़ वहाँ पर रहने वाली है, सभी विषय के अंदर हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो में। आज 5 फरवरी की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं माता रानी के पिंडी रूप को। आज कुछ इस तरीके से माता रानी की पिंडी को सजाया गया है। माता रानी का श्रृंगार देखकर कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। दिसंबर महीने की शुरुआत होते ही सभी के मन में एक ही सवाल था कि माता रानी के भवन पर बर्फबारी कब होगी, कब होगी। और वो दिन आया, दिसंबर पूरा निकला, जनवरी पूरा निकल गया और 31 तारीख की रात को वहाँ पे बर्फबारी शुरू हुई। लेकिन आपको ये भी बताते कि बर्फबारी लेट जरूर हुई, लेकिन काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर यहाँ पे बर्फबारी हमें देखने को मिली थी। हमने अपनी वीडियोस के अंदर आपको बार बार ये सीन दिखाए हैं जहाँ पर हमें बर्फबारी का ये सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे। अब आपको बता दें कि ये बर्फबारी जो है अब लगभग रुक गई है। जी हाँ, अब ये बर्फबारी रुक गई है। अब मौसम जो है काफ़ी दिनों तक यहाँ पर बिल्कुल सामान्य और साफ रहने वाला है। अगर आज की बात की जाए कि आज का कटरा का मौसम कैसा है, तो आपको बता दें कि कटरा के अंदर बिल्कुल धूप निकल चुकी है। किसी भी प्रकार से कोई यहाँ पर बारिश या स्नोफॉल का आज हमें कोई भी मामला देखने को नहीं मिलेगा। हमने इस विषय के अंदर बात की अपने एक्सोम टीम के मेंबर श्री विजय अदवारिया जी से, और देखते हैं उन्होंने हमें आज के मौसम के विषय में क्या बताया, किस प्रकार से आज वहाँ पर धूप खिली हुई है और ये धूप कब तक रहने वाली है। आइए इस विषय में जानकारी लेते हैं हमारे टीम मेंबर विजय अदवारिया जी से। चलिए जी, जय माता दी सभी को। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से मैं विजय अदवारिया। आज 5 तारीख हो गई है और सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा बढ़िया धूप खिल चुकी है। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे, सूरज बहुत ही तेज चमका हुआ है, बिल्कुल बहुत ही तेज जो है धूप निकली है एकदम से। और पूरे दिन धूप कुछ कटरा के अंदर इसी तरह खिली रहेगी, पूरे दिन मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। और साथ के साथ आपको बता दूं कि भवन के ऊपर भी है जो बर्फबारी काफ़ी मात्रा में बढ़िया से देखने को मिल रही है। और आपको बता दूं कि मौसम बिल्कुल कटरा में साफ हो चुका है और लगातार कटरा के अंदर अब अगले 15-16 तारीख तक बिल्कुल साफ सुथरा मौसम बने रहने की संभावना है। हेलीकॉप्टर सेवा बिल्कुल सुबह से चालू है। भवन के ऊपर बैटरी कार रोपवे की सेवा आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल चालू मिलने ही वाली है। और साथ के साथ आपको ये बता दूं कि बच्चों के साथ जा रहे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर है जो है ठंड मिलने वाली है। आप लोग देख सकते हैं सूरज कितनी जोर से निकल चुका है और पूरे दिन ही कटरा के अंदर धूप खिली रहेगी। साथ के साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आप लोग बच्चों के साथ आ रहे हैं तो बच्चों के साथ आप लोग गर्म कपड़ों की व्यवस्था करके जरूर आए, क्योंकि कटरा में तो ठंड है ही, लेकिन भवन के ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है ठंड मिल जाएगी। सभी को जय माता दी। तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब बर्फबारी की जो ये घटनाएं थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और वहाँ पर अच्छी खासी धूप निकली हुई है। बात की जाए हेलीकॉप्टर सुविधा की, तो वो सुचारू रूप से वहाँ पर चल रही है। रोपवे के बारे में बता दें, रोपवे के अंदर भी कोई रुकावट नहीं है। उसके अलावा बैटरी कार सुविधा भी यहाँ पे सुचारू रूप से चल रही है। किसी भी सर्विसेज के अंदर कोई भी बाधा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त धूप निकल चुकी है। और सभी लोगों को बता दें कि बेशक कटरा के अंदर धूप हो, लेकिन भवन पर अभी भी ठंड बनी हुई है। और अगर आप माता वैष्णो देवी के भवन पर जल्द ही आने वाले हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े लाना ना भूलें। ये मत सोचना कि अगर वहाँ पर धूप है तो ऊपर आपको ठंड देखने को नहीं मिलेगी। धूप बताने का हमारा मकसद केवल यही है कि फिलहाल बर्फबारी वहाँ पर नहीं हो रही है। अगर आगे आने वाले दिनों के अंदर कोई भी ऐसा हमें लगेगा कि यहाँ पर बर्फबारी फिर से हो सकती है, तो आपको लगभग 5 से 6 दिन पहले ही बता दिया जाएगा कि एक बार फिर से माता रानी के भवन पर बर्फबारी होने वाली है। फिलहाल अगर देखा जाए तो
12 से 14 तारीख के बीच तक भी कोई भी बर्फबारी यहाँ पर नहीं रहेगी, मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अगर आप भी माता वैष्णो देवी पर बर्फबारी देखने जाते हैं तो आपके पास यही मौका है, जो वहाँ पर बर्फ है आप उसको वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि स्नोफॉल की अभी उम्मीद नहीं है। जो स्नोफॉल वहाँ पर हो चुकी है वो वहाँ पर कुछ दिनों तक रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं यात्रा ट्रैक पर पड़ने वाले अन्य पड़ावों के बारे में। तो पहले बता देते हैं अर्ध कुंवारी के विषय के अंदर बात करेंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अर्ध कुंवारी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा समय लगता है जब हम गर्भजून गुफा के अंदर जाते हैं, और आज भी अगर आज की बात करें लगभग 12 घंटे का वेटिंग टाइम आज भी दिया जा रहा है। अगर आप माता रानी की इस गर्भजून गुफा के अंदर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जाकर अपना टोकन ले लें। टोकन लेने के बाद सीधा आप भवन की ओर निकल जाएं, और जब अगले दिन आप वापसी के अंदर भैरव घाटी से होते हुए साईं छत से होते हुए अर्ध कुंवारी पर पहुंचेंगे तब तक लगभग आपका नंबर आ जाएगा और आप इस गुफा के अंदर प्रवेश करके अपने आप को सौभाग्यशाली बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्राचीन गुफा से संबंधित। आपको बता दें कि प्राचीन गुफा को अभी भी लगातार सुबह 10 बजे और रात को लगभग 10:30 बजे के आसपास खोला जा रहा है। सुबह के टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइमिंग इसका रखा गया है, और रात को लगभग 11 बजे से 5 बजे तक का समय इसका होता है। लेकिन फिलहाल इन दिनों के अंदर ये देखा गया है कि सुबह समय से इस गुफा को खोल तो दिया जाता है, क्योंकि फिलहाल उतना ज़्यादा रस वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और आपको बता दें कि रात को 11 बजे के टाइम होने के बावजूद भी इसको 10:30 बजे के आसपास खोला जा रहा है, और सुबह 5 बजे तक तो नहीं लेकिन रात को 2 से 3 बजे के बीच के आसपास इसको बंद कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर यही हम बताना चाहते हैं कि टाइमिंग इसका रखा जरूर गया है, लेकिन इसके प्रवेश का सारा डिपेंडेंस हमारा केवल रस के ऊपर ही रहता है कि कितना ज़्यादा रस चल रहा है। और अगर आप माता वैष्णो देवी की इस प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं तो कोशिश करें एक रात के लिए वहाँ पर स्टे जरूर करें, और रात को लगभग 10:30 से 11:15 बजे के बीच में लाइन के अंदर लग जाएं, क्योंकि लगभग 2-2:30 बजे तक ये प्राचीन गुफा को खोले ही रखते हैं, और इस दौरान आपका नंबर आराम से वहाँ पर आ सकता है। तो कोशिश करें नाइट स्टे करने के लिए और रात को दर्शन करने के लिए, तो आपको प्राचीन गुफा से वो अलौकिक दर्शन हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको एक अन्य जानकारी भी दे देते हैं कि हम रोज रात को 8 बजे से 10 बजे तक लाइव आते हैं। अगर आप हमारे इस लाइव शो को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे इस लाइव शो को ज्वाइन कर सकते हैं। रोज़ रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच हम माता वैष्णो देवी कटरा से लाइव आते हैं, और पूरी माता वैष्णो देवी से संबंधित जो भी जानकारी आप हमें इस लाइव के अंदर ही ले सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको आज का हमारी वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर जरूर कर देना और लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट के अंदर अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लग रही है। सभी भक्तों को जय माता दी। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो अपडेट के साथ। लगता है जी मेरा है मन में चाह बस इतनी कि जाके वो तरस तेरा।